सो हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिडेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने रियलमी डिवाइस के अंदर कैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को यहाँ पे इनेबल करें। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए, वीडियो को एक बार से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर देना। तो दोस्तों ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है, ये बेसिकली जो कि एमोलेड डिस्प्ले के लिए यहाँ पे जो कि बनाया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सैमसंग का जितना भी एमोलेड डिस्प्ले बेस्ड स्मार्टफोन, इन सब में जो कि आप लोगों का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों जो अदर कोई डिवाइस लाइक रियलमी एक्स वगैरह, तो इसमें भी जो कि आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो इसमें भी जो कि आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें अदर कोई रियलमी का डिवाइस, तो इन सब में आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर भी आप लोग मजा उड़ा सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है, इसको लेकर मैं दोस्तों ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाकर रखा हूँ। अगर आप लोगों ने दोस्तों उस वाला वीडियो को अभी तक नहीं देखा, तो इस वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो कि आप लोग अपने फोन के अंदर ऑलवेज डिस्प्ले कुछ स्टेप्स जो कि एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो कि एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, उसको आप लोग सबसे पहले जो कि डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपल से अपने फोन में इसको जो कि इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का जो कि एप्लीकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये जो कि आप लोगों का कुछ नाम यहाँ पे होगा AOD, ठीक है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो सिंपल सा क्या करना होता है, सिंपल सा आप लोग जो कि इसको ऑन कीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो कुछ इस टाइप का जो कि इंटरफेस दिखाई देगा आप लोगों के फोन में। तो यहाँ पे ये वाला जो आप लोग का दिखाई देता होगा, तो इसका सिंपल सा टैप कीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग इसको टैप करेंगे, तो यहाँ पे चार यहाँ पे जो कि आप लोगों को ऑप्शन आएगा, तो सिंपल सा एक एक करके यहाँ पे जो कि अलाउ करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे अलाउ पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो कि आप लोगों को सिंपल से इसको जो कि परमिशन दे देना है। तो फिर परमिशन देने के बाद बैक करके आएंगे, उसके बाद नीचे वाला को यहाँ पे अलाउ ना पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी जो कि परमिशन देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और हम लोगों का जो कि दो ऑप्शन अभी बचा है, तो ये देखिए सिंपल से यहाँ पे आप लोग इसको कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए जो कि अलाउ नाउ पे चार नंबर वाला, जैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए फॉरबिड रहेगा, इसको सिंपल से आप लोग यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अलाउ करने के बाद सिंपल से आप लोग बैक करके जाएंगे, ठीक है। तो बैक करने के बाद ये नीचे आप लोग एक और ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से जैसे इसमें आप लोग टैप करेंगे, तो कुछ इस टाइप का जो कि इंटरफेस आप लोग को दिखाई देगा। देन दोस्तों यहाँ पे ये जो आप लोग को प्रीव्यू वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल से आप लोग जैसे इसमें टैप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि आप लोग को दिखाई देगा। तो ये देखिए मेरा जो कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो है, इसीलिए ठीक तरीके से आप लोग को जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए बैक करके जाएंगे, ठीक है। बैक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये देखिए आप लोग मन मुताबिक यहाँ पे जो कि इसको ब्राइटनेस को सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मीडियम ही रखिए जो कि बढ़िया लगेगा। फिर आप लोग इसको जो कि ओके पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये देखिए जैसे यहाँ पे टैप करेंगे, तो कुछ इस टाइप का जो कि इंटरफेस आप लोग को दिखाई देगा अपने फोन में। और भी बहुत टाइप का यहाँ पे जो कि कस्टमाइजेशन आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे आप लोग जाएंगे कस्टमाइजेशन वॉच फेस में, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा क्लॉक का स्टाइल, ठीक है, आपका क्लॉक का स्टाइल कैसा होना चाहिए, फिलहाल ये है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी टाइप का यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको चलिए यहाँ पे फिलहाल इसको रख देता हूँ अभी, ठीक है। फिर मैं इसको बैक करके जाऊँगा, तो ये देखिए क्या कुछ दिखाई देगा। तो ये जो कि बहुत ही कमाल है। और भी आप लोग जो कलर चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, ये वाला जो आप लोग कर सकते हैं बैकग्राउंड, अभी जो कि फिलहाल ब्लैक बैकग्राउंड में ये चल रहा है, तो इसको आप लोग जैसे इसको करेंगे, तो फिर आप लोग बैक करके जाए, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का जो कि आप लोग को दिखाई देगा। और भी बहुत टाइप का आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए आप लोग टेक्स्ट एंड फॉन्ट को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए जो फॉन्ट का जो स्टाइल है, फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप लोग मन मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। और भी आप लोग को बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देखिए जैसे आप लोग करेंगे टेक्स्ट साइज में, तो टेक्स्ट साइज भी आप लोग यहाँ से चूज करके उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कि टेक्स्ट कलर है, ठीक है, तो टेक्स्ट कलर काफ़ी जो कि एक कमाल मुझे लगता है। तो ये देखिए टेक्स्ट कलर को चलिए यहाँ पे जो कि हम लोग अभी फिलहाल जो कि कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का जो कि कलर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए चलिए इसको जो कि सिंपल से यहाँ पे डन करते हैं, ठीक है। डन यहाँ पे मैं जैसे इसको कलर चेंज किया, तो ये देखिए यहाँ पे भी कलर ये जो कि चेंज आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये काफ़ी कमाल है, आप लोग जरूर से अपने फ़ोन में इसको एक बार से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे जो कि कस्टमाइजेशन आप लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कि कुछ आप लोग का प्राइमरी कस्टमाइजेशन करके यहाँ पे दिखा दिया। तो ये देखिए चलिए फ़ोन को यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लॉक करेंगे, ठीक है। लॉक करने के बाद दिखाऊंगा कि यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए जो आप लोग यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो फिर आप लोग अपने फ़ोन को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, डबल टैप अपने स्क्रीन में यहाँ पे कीजिए, तो ये जो कि आप लोग का आ जाएगा। फिर अपना पासकोड जो भी लगाएं, फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पे लगाइए, जो कि ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से जो कि ये काम करता है।
तो दोस्तों ये अगर करने के दौरान आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम वगैरह आता है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों का करूंगा। और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, आप लोग कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है। तो ये जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका जो एक नेगेटिव साइड क्या है, ये आपका फ़ोन का जो कि बैटरी थोड़ा बहुत यहाँ पर ज़्यादा ले सकता है, इसीलिए आप लोग अगर चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा बैटरी का प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग उसको मत ही ट्राई कीजिए। दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग का पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक बार से लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।